रहा है क्योंकि शहादत से जिनके बलिदान से आज हम स्वतंत्र हैं, तो आज हम यही चाहेंगे भाजपा का जो अत्याचार चल रहा है 2023 में हम पाएँ और आज डे को हमारा जी भी सरकार है आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं आज के पावन पर्व पर। शहीदों को नमन करना चाहता हूँ जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता के साथ दे रहे हैं और हम अपने विचार व्यक्त करना सभी के लिए मैं आज के लिए नमन करता हूँ। जय जय भारत। राष्ट्रीय पावन पर्व सतहत्तर स्वतंत्र संग्राम की मेला पर समस्त देशवासियों शहरवासियों नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को नगरवासियों को और मेरे भारत के सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज का यह दिन हजारों हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत का परिणाम है। खुली हवा में सांस लेने लायक और उन दिनों के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने अपनी जवानी के दिन भी जेलों के अंदर काट लिए। चार पंक्तियों के साथ मैं पूरे देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी के महासमर के हम छोटे से एक सिपाही आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने बलिदान एवं पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज 1857 की क्रांति जिसमें गांधी ने चुराई राष्ट्रीय टोपे आदि से लेकर 1947 तक जो असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है उन सबको नमन करने का दिन है। आज हमारे देश में बेरोजगार भ्रष्टाचार जैसी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ इस देश के लिए लग चुकी हैं जिन्हें दूर करना है। आगामी चुनाव में हमें यह सब देखना है। आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेयावली विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश की वासियों का बंधन संगठन करते हुए बधाई करता हूँ। जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समस्त नगर वासियों को शुभकामनाएं। यह पर्व एकता का हमारे बीच में एक संदेश लेकर आता है। भारत वर्ष सभी जातियों से सभी समुदायों से मिलकर बनता है और सिर्फ यही संदेश है कि सभी हम सबको मिलकर भाईचारे की तरह रहना है और अपने देश को अखंडता और प्रभुत्वता की ओर लेकर जाना। आपके माध्यम से पूरे सागर वासियों को प्रदेश वासियों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों जैसे कि आज आपको पता है कि हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। आज हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। मैं आप के चैनल के माध्यम से मेरी सागर की बोली वाली जनता को एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। आज प्रदेश और देश में जो है भ्रष्टाचार का जो माहौल है उस माहौल को जो हमारे महापुरुषों ने हमारे वीर शहीदों ने भारत को आज़ादी दिलाई आज उसको बचाने की लोकतंत्र को बचाने का समय है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है भारत का ताना बाना जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म को एक साथ चलने का संदेश देता है उस संदेश का पालन करें। जय हिंद जय भारत। मैं रविंद्र पुरी घटी जिला युवा कांग्रेस महासचिव शहर कांग्रेस में सचिव मैं क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और मैं इन चार पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ देशवासियों को कि हाथों में गीता रखेंगे सीने में रखेंगे कुरान मेल बड़ा है आपस में ऐसा रखेंगे धर्म ईमान मस्जिद रखेंगे मंदिर रखेंगे पर सबसे पहले अपनी जन्मभूमि मातृभूमि का नाम रखेंगे।
समीर गब्बर प्रधान अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को, सब एक रहे, निगम है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। ये पावन पर्व पर देशवासियों को, नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? समस्त देशवासियों, देशवासियों, शहरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए सब से मनाएं और सब सभी के प्रेम भाव और सद्भावना का संदेश घर घर तक पहुँचे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस बल सागर के द्वारा भी तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया।
यह रैली पीटीसी मैदान से शुरू होकर नगर की प्रमुख मार्ग से होती हुई वापस पुलिस लाइन की ग्राउंड में संपन्न हुई। आयोजित तिरंगा वाहन रैली में पुलिस कप्तान सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी शामिल हुए, जो अपने वाहनों में तिरंगा ध्वज लगाए हुए थे। साथ ही उसमें पीछे सवार पुलिस कर्मी भी तिरंगा हाथों में थामे पूरे गरिमा के साथ निकले। इस अवसर पर यातायात के नियमों के प्रति भी जागरूकता लाई जा सके, सभी हेलमेट पहने नजर आए। इस तिरंगा राष्ट्रध्वज यात्रा का भी नगर में जगह जगह आम शहरवासियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वागत करते हुए भारत मां के जयकारे भी लगाए।